हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कमिंस के KT 1150 मॉडल के इंजन में कैसे हम लाइनर को फिट करते हैं वो आज हम आपको उसका वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं। और ये वर्क जो है वो हमारा साइट पे हो रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हाँ फ्रेंड, देखिए अब इसमें हमने एना बांड लगाना चालू कर दिया है क्योंकि लाइनर में पहले से ही ओरिंग लगा हुआ है। अब इसमें जो है चारों तरफ ये एना बांड लगाने के बाद ही जो है ये लाइनर में फिट किया जाता है। और ये देखिए, ये लाइनर के जो टॉप में जो ब्लॉक होता है उसके कॉर्नर में एक ओरिंग होती है और जो लाइनर के एकदम टॉप में लगता है। ये बस केवल KT 1150 मॉडल में ही ये ओरिंग लगता है, इसलिए वो ओरिंग वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना करे इसीलिए वहाँ भी एना बांड लगा देते हैं ताकि वो ओरिंग को जो है वो अच्छी तरह वहाँ पर पकड़ ले। अब ये देखिए, ये लाइनर में जो है ये धीरे धीरे हम डाल के फिर इसको प्रेशर से ये हम डालते हैं ताकि हमारी ओरिंग जो है स्लिप होकर सी डायरेक्ट जो है हमारा जो जो ओरिंग का स्पेस है वहाँ पे जाकर लग जाए। और इसके बाद इसको जो है, क्योंकि पूरा अंदर जाता नहीं, उसके बाद इसको जो है हम लकड़ी के गुटके के सहारे हैमरिंग करके इसको जो है लाइनर को हम बैठाते हैं ताकि वो जो है हमारा ब्लॉक के सरफेस तक चला जाए, जिससे जो हमारा प्रोट्रूजन होता है वो उसी के बराबर हो, जिसकी वजह से हमारा कोई भी वहाँ से वाटर या कोई भी सिस्टम जो है लीकेज नहीं होता है। इसीलिए फिर इसको देखिए, ये हैमरिंग के थ्रू जो है इसको अंदर लाइनर को एकदम पूरा बैठा दिया ताकि नीचे की ओरिंग जो है हमारा सिलेंडर ये ब्लॉक में जो है वो जाकर फिट हो जाए और ताकि उसमें कोई भी मिसप्लेस ना हो कि अगर ओरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा पानी लाइनर में चला जाता, चैम्बर में चला जाता। इसीलिए इसको हम प्रेस से करके जो है हैमरिंग करके हम एकदम प्रोट्रूजन तक बैठा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।